राज्यों में चुनाव तो पहले हो जाएंगे 7-8 राज्यों के अंदर। उसकी तैयारी तो चल रही है हमारी अभी से ही। मैं अभी गुजरात से आ रहा हूँ और वहां भी शानदार मुकाबला है। हर वीक जाना पड़ता है मोदी जी को, साफ समझ रहिए कितने घबराए हुए मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, कैंप किए वहां बैठे हैं, रोड प्रोग्राम हो रहे हैं उनके, हर वीक में जा रहे हैं। यूपी चुनाव जीतने के जस्ट अगले दिन चले गए, तो ये तो इनकी स्थिति है। तो वहां भी इनकी एंटी इनकमबेंसी बहुत भयंकर है गुजरात के अंदर, और कुछ भी हो सकता है। आप पार्टी के नेता जो हैं वही असत्य बोलने माहिर हैं, उन्होंने आपके मीडिया को कैप्चर कर रखा है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया होगा, तो आप जानो, हमें पता नहीं। पर लगता है कि बीजेपी ने दबाव दिया हुआ है मीडिया पर और इन्होंने कैप्चर कर रखा है। और जिस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैंडल है देश के अंदर। एक तरफ पैसा जा रहा है बीजेपी के पास में, तो बाकी पार्टियां जब बराबरी का फील्ड नहीं होगा, अब डेमोक्रेसी में होना जरूरी है, वो नहीं हो रहा है। एक तरफा ही साधन जा रहे हैं इनके पास में, लुटा रहे हैं लोग और सरकारें टॉपल कर रहे हैं लोग, कुछ पैसे ही तो टॉपल कर रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है फिर इनके पास में, कर्नाटक के बाद में, मध्य प्रदेश के बाद में, आपके महाराष्ट्र, और हमें ऊपर वालों ने बचा दिया। सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का आशीर्वाद था, इसलिए सरकार बच गई उस वक्त में, पूरा कुनबा हमारा एक रहा, वरना सरकार चली जाती। तो इसलिए जो हालात देश में बहुत गंभीर है, चिंताजनक स्थिति है। अब नहीं समझने वाले उनको हमारे पास इलाज नहीं है, समझदार समझ गए हैं कि आप धर्म और जाति के नाम पर एक हद तक तो सब ठीक है, लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो बाद में आपको जो आज खुश हो रहे हैं ना, वो भी फिर समझ जाएंगे क्या हो रहा देश के अंदर। तकलीफ उनको भी आने वाली है, तकलीफ सबको आने वाली है। इतने बड़े मुल्क में आप सब अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जब तक साथ लेकर नहीं चलोगे तब तक काम चलने वाला नहीं है।